other dream bike of youngsters, adults, sabki. I hope angle sahi aa raha ho kyunki abhi pata nahi chal raha hai, isme shisha nahi hai. ये वाली सिर्फ लेती है, ये देती नहीं है. सो एक बहुत ही बेहतरीन मशीन. ये जो स्टॉक आती है, ये स्टॉक आपको पड़ती है 200 BHP. एंड अभी ये थोड़ा सा ट्रैक रेडी हो रखे तो इसकी BHP भी बढ़ गई है, बहुत सारा सामान भी लग गया है. तो इसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ी देर में बताऊंगा. पहले एक छोटी सी राइड मारते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट दिस बीस्ट. ये एक प्योर बीस्ट है. देखो चलाने में बोलूं, फर्स्ट इंप्रेशन लाजवाब. सिटिंग पोस्चर एज फॉर सिटी राइड्स नो. थोड़ा सा हाथों में प्रेशर फील होता है, एग्रेसिव है क्योंकि टेक्निकली बेस्ट ट्रैक मशीन कह लो इसको आज की डेट में. काफ़ी लोग हैं जो R1 के साथ ट्रैक करते हैं, बहुत मज़े लेते हैं यार. एंड इट इज़ नॉट रोड लीगल, दिस मॉडल इज़ नॉट रोड लीगल बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशंस डन इन दिस मशीन. एंड यू आर वॉचिंग वेनम डायरेक्टली फ्रॉम R1. तो हाउ आर यू फीलिंग टूडे, प्लीज़ लेट मी नो. बहुत सही है, आवाज़ सुनोगे, सुनाता हूँ. और मोड़ के दिखाते हैं आपको अब हम. सो शानदार, फर्स्ट इम्प्रेशन शानदार. कभी इसे ट्रैक पे चलाने को मिलेगा तो रियल फन का पता चलेगा.
बाइक के शॉर्ट्स देख लिए हैं तो कैसे लगे ये ज़रूर कमेंट में बताना। अभी मैं आपको मिला दूँ बाइक के ओनर से और बाइक के बारे में पर्टिकुलर क्या चीज़ उन्होंने लगवाई है, क्या वो लगी हुई आती है ये जानते हैं। आओ, तो ये है हमारे अश्विन भाई, ये ओन करते हैं यामाहा R1। कितने टाइम से ओन कर रहे आप, मतलब कितना टाइम हो गया आपको इस बाइक के साथ? मेरे को इस बाइक के साथ पर्सनली अभी कुछ मंथ्स ही हुए, थोड़ा टाइम पहले ही लिया मैंने। इससे पहले मैं भूसा चलाता था, इंटूरर चलाता था। तो ये आपकी थर्ड सुपर बाइक? ये मेरी आई थिंक 11-12 सुपर बाइक है। अभी बात करेंगे इस बारे में, बट ठीक है, अच्छी बाइक है। मैंने थोड़ा सा भूसा वगैरह थोड़ा टेस्ट करना था ट्रैक पे, तो उसके लिए मैंने फिर ये ली। आपने जैसे ट्रैक पे भूसा भी चलाई है और अब आप ये भी चला रहे हो, और आपने 650 CBR भी चलाई है, तीनों में मेजर डिफरेंस क्या है और बेस्ट बाइक अगर पकड़ो ट्रैक के लिए तो कौन सी रही इन तीनों में? बेस्ट बाइक तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं, क्योंकि इस मतलब एक परफेक्ट कॉम्बो है। इतनी लाइट है ये, लाइट उसका पावर बहुत है इसमें। भूसा जितनी आ रही 200 BHP स्टॉक है ये, भूसा 197 है, प्लस वेट बहुत मेजर फैक्टर इसमें होल्ड करता है। 200 किलो की ये बाइक वैसे स्टॉक है, बस इसमें हमने ये रेसिंग फेयरिंग वगैरह सारा डाला हुआ है, तो और लाइट करनी है इसमें। हेडलाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ जैसा देख रहे हो इसमें सारा, बस परफॉर्मेंस मॉड्स वगैरह भी काफ़ी हैं इसमें। आपने इसमें बेसिक बाइक के अलावा क्या क्या लगवाया हुआ? पहले तो ये बताओ बेसिक बाइक आती कितने की है, अगर कोई लेने जाए मिल जाएगी इंडिया में? हाँ जी मिल जाएगी, बट थोड़ी सी वेटिंग होती है इसमें 3-5 months की। और उसके अलावा बाइक आपको कोई 24 lakhs के आसपास पड़ जाएगी। ऑन रोड डेली स्टॉक बाइक 23-24 डिपेंडिंग। कुछ यामा वाले कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस थे, मैं भूल गया क्या थे वो, वैसे 23-24 की है। और आपने इसमें क्या क्या लगवाया हुआ है और अब आपको ये आपको ट्रैक रेडी करने के लिए बाइक कितने की पड़ी? ये बाइक ऑलमोस्ट 30 lakhs के आसपास पड़ी है ट्रैक रेडी करने के बाद। 6-7 lakh का सामान ऊपर? हाँ जी, फेयरिंग्स और अंदर PC5 FT, वो रेस ECU जो FT ECU का लगा हुआ है, ये सारा कुछ कर कर आके 29-30 के आसपास पड़ी। बेसिक जैसे लोग बोलते हैं ना, मेरे को भी कहते हैं भूसा में पावर कमांडर लगा लो, उसका काम क्या है नॉर्मल? देखो मैं ट्रैक तो ज़्यादा करता नहीं, वो तो शौक के लिए कभी एक आध बार कर लिया, तो डेली रूटीन में पावर कमांडर का कोई यूज़ है बाइक के अंदर? देखो बेनिफिशियल है, क्योंकि पावर कमांडर क्या करता है, आपके इंजेक्टर्स को कंट्रोल करता है वो। आप जो उसमें यूनिट्स डाल दोगे लैपटॉप की अपने जो आप उसमें यूनिट डालोगे, तो उतना ही एयर फ्यूल रेशियो उसमें देगा आपके इंजन को। तो पावर कमांडर मैं तो बोलूँगा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप अगर बाइक का एग्जॉस्ट चेंज कर रहे हो, इनटेक चेंज कर रहे हो, तो आपको उसकी ट्यूनिंग करनी ही चाहिए। प्लस हमारे यहाँ इंडिया में डायनोज वगैरह तो है नहीं, तो पावर कमांडर इज़ द बेस्ट थिंग, मे बी मेरे हिसाब से डालना चाहिए। इससे ऊपर की कोई बाइक? इससे ऊपर मेरे को कोई पसंद नहीं, कोई पसंद नहीं है। वैसे तो ये बहुत कैमरा शाय पर्सन है भाई, एक पिछली वीडियो में भी आ गया था मैं थोड़ा ज़्यादा कैमरा शाय, मुँह छुपा रहा था मैं यार, लेकिन आज भाई ने खींच लिया मुझे, कह रहे जबरदस्ती आओ वीडियो में आओ। नहीं ये बाइक एक तो बहुत टाइम से लोगों की ड्रीम बाइक होती थी ना, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, थी मेरी दो तीन होती थी, भूसा होती थी धूम देखने के बाद भाई हायाबुसा लेनी है, और एक ये ड्रीम चली रही है भाई R1 होनी चाहिए। स्कूल में सोचते थे यार वो R1 लेंगे, तब बहुत पुरानी R1 आती थी, तब R15 चलती थी, फिर R1 तो आती नहीं, जब मैं स्कूल में था भाई R15 थी भी नहीं। ये अगर देखें तो उसमें वायर्स की सेटिंग्स वगैरह हैं सारी, पावर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम स्लाइड कंट्रोल सिस्टम, कितने तरीके के मोड्स हैं इसमें? इसमें है भाई 4 मोड्स, आप अपने हिसाब से इसको स्पेसिफाई कर सकते हो, 4 मोड्स इसमें ABCD, आप अपने हिसाब से इसको ट्यून कर सकते हो। इसमें पावर के 4 मोड्स हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, पावर के 4 मोड्स बोले तो कितने कितने CC? इसमें CC के हिसाब से नहीं है, इसमें बस BHP के हिसाब से है, कि मतलब थोड़ी सी पावर रिस्ट्रिक्ट करती रहेगी। 4 पे सबसे आपको मतलब बिगिनर फ्रेंडली हो जाएगी, 1 पे सबसे अग्रेसिव है, और 9 लेवल का इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, 9 लेवल्स का ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्लाइड कंट्रोल सिस्टम है 3 लेवल्स का, ऑफ भी कर सकते हैं, लॉन्च कंट्रोल सिस्टम है 2 लेवल्स का, व्हीली कंट्रोल सिस्टम, ये लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम है, ये रहा एंड में जो लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम है, और क्विक शिफ्टर सिस्टम है, सारे शिफ्टर अप डाउन दोनों ना? हाँ अप डाउन, ऑटो ब्लिपर मैंने खुद इसमें लगाया हुआ है, वैसे इसमें सिंगल साइड क्विक शिफ्टर आता है। तो हमारे भाई को पहले तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि ये ट्रैक करते हैं और ट्रैक की अच्छी अच्छी फोटोज अगर देखनी है तो वहाँ मिलेंगी, हम तो रूटीन में तो कभी करते नहीं है। अपना यूजर नेम बताओ। अश्विन सिंह टकिया, डिस्क्रिप्शन में भी होगा और बायो में भी सब में डाल देंगे, वहाँ पर नीचे डाल देंगे सारा। भाई को सब्सक्राइब करो, लेकिन भाई को और मेरे को फॉलो कर लेना यार। सो ये मीटर जो आपने देखा है, नोट किया हो तो ये 8000 RPM से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा क्यों? इसमें मतलब दो इसके लेवल्स हैं, मतलब दो मोड्स हैं इसके, एक स्ट्रीट मोड एक ट्रैक मोड। ट्रैक मोड में क्या है कि आपकी बाइक हमेशा ज़्यादा RPM पे ही रहती है, 8000 से प्लस ही रहती है, और RPM मेन देखना होता है, स्पीड वगैरह इतनी कोई चेक नहीं करता, RPM ही ज़्यादा वो है, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा करके और 8000 से ही RPM यहाँ दिखाया हुआ है। मतलब शुरू से ही ऐसी पावर कि बंदा पागल हो जाए, मतलब 8000 से नीचे आप क्या रखोगे ट्रैक पे, फिर तो सड़क पे चला लो।
कोई बात नहीं, हम इसके बारे में कभी ना कभी इनके साथ अगर ट्रैक पे जाएंगे तो हम अपने 1000 RPM से इनको जवाब देंगे इस चीज़ का। बिल्कुल कोई बात नहीं। और भाई ये है 70-80 किलो का, मैं हूँ 110 किलो का, तभी मैंने ये लिया ताकि मेरा वजन ढो सके ये बस। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हम दोनों के पास एक कॉमन चीज़ है, वो है वेनम का हेलमेट। तो वो एक मिनट पहले मैं लाया था, इसने कॉपी करी है मेरी, तो मेरा कॉपी राइट है हर वीडियो में भाई। किसी ने देखा नहीं ना पहले यही देखा था, उसके बाद ये लेके आया। भाई स्पाइडरमैन भी आ रहा है अभी। जब मैं बूसा सर्विस के लिए लेके जाता हूँ, वो कॉस्ट मेरे को करती है अराउंड 8000 अप्रॉक्सीमेटली, ऊपर नीचे चलता है। और पहली सर्विस उसकी जो भी है फलाना। अब मेरा फ्रेंड टेनर ले गया था, ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट, एक 900 ले गए थे, ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट। तो इसकी सर्विस की क्या कॉस्ट है? देखो इसकी सर्विस आप अगर रेगुलर रोड पे चलाना चाह रहे हो अपनी बाइक तो आपकी वही 8-10,000 ही पड़ेगी। बट अगर आप जैसे ट्रैक पर अपनी बाइक है तो इसमें थोड़ा सा इंजन ऑयल हम दूसरा यूज़ करते हैं, इसमें जो ये ब्रेक ऑयल है या हम दूसरा रेस ब्रेक ऑयल डालते हैं, कूलेंट इसमें डिफरेंट होता है, तो इसकी सर्विस थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है कंपेरेटिवली। ब्रेक पैड जिसमें अलग डलते हैं, स्ट्रीट यूज़ के नहीं है, ट्रैक यूज़ के ब्रेक पैड डले हुए हैं तो वो अलग चलते हैं। तो ट्रैक के लिए टायर्स भी हम स्लिक्स लगाते हैं। स्लिक्स लगाए हुए हैं अभी आपके लिए, बस ये लगवाए हैं ये वाले, और स्लिक्स ही लगे हुए थे इसमें, अभी ये लगवाए हुए हैं। अगर कोई लड़की बैठना चाहे तो उसका तो दिल टूट सकता है क्योंकि यहाँ सीट नहीं होती है। नहीं, लड़की के लिए फिर हम उसे इंट्रूडर या बूसा पे बिठा लेंगे, वो भी रखे ऑप्शन सारे हमारे पास, सारे ऑप्शन है, कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और जाने से पहले क्या करना, वीडियो को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर। तो सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर व्लॉग, बाइक के साथ ही व्लॉग एंड करते हैं, आओ।